और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर की बात करते हैं, वो है आरबीआई पॉलिसी कमेंट्री। उस सब पे गवर्नर साहब का स्टांस, बाजार सबको बहुत ही क्लोजली मॉनिटर करेगा। डिम्पी से जानते हैं कि बाजार किस तरह की बात कर रहा है और स्ट्रेटेजिस्ट क्या बोल रहे हैं क्रेडिट पॉलिसी को लेके। डिम्पी बताइए। शुक्रिया अजय। हमने कई एक्सपर्ट से बातचीत की है जो कि इस पॉलिसीज़ को बहुत क्लोजली देखते हैं, कई इकोनॉमी से भी बातचीत किया, उसको लेकर हमने एक पोल आपके लिए बनाया है। इसमें हमने वो सारे क्वेश्चंस रखे हैं जो आपके मन में चल रहे होंगे, आप जानना भी चाहेंगे। इस पोल के जरिए काफ़ी हद तक आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ क्या हो सकता है। जैसे पहला क्वेश्चन ये था कि क्या ब्याज दर में और गिरावट हो सकती है, और कटौती हो सकती है। इसका सीधा सीधा आंसर निकला नहीं, कोई बदलाव नहीं होगा। इसलिए इसकी पूरी कैटेगरी हमने 100% में डाल दी है, क्योंकि सभी से जो हमने पूछा कि क्या और पॉलिसी में कटौती हो सकती है कि ब्याज दरों में, उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं हो सकती। इसलिए हाँ और ना का, यानी कि 25% और 50% का अब सवाल ही नहीं उठता। यानी कि आप ये बात तो मान के चलेगा इस बार पॉलिसी में किसी तरह की कोई कटौती नहीं होने वाली है ब्याज की। फिर हमने दूसरा क्वेश्चन उनसे ये पूछा कि क्या रेपो रेट में कोई चेंज होगा या रिवर्स रेपो रेट में चेंज होगा। तो रिवर्स रेपो को लेकर हमको आंसर्स काफ़ी मिले, तो जो नहीं कहने वाली संख्या थी वो तो सिर्फ 20 थी, लेकिन थोड़ी बहुत संभावना है वो 80% एक्सपर्ट्स का मानना था। अच्छा, संभावना भी कितनी है, ये 15 BPS की हो सकती है। तो ये एक का संभावना वाला हमको एक फैक्टर दिखा, 80% यहाँ पे आ कहते हैं कि रिवर्स रेपो में कुछ बदलाव हो सकता है। तीसरा पॉइंट हमारा था कि पॉलिसी को लेकर स्टांस क्या होगा, यानी कि रुख क्या रखा जाएगा। एकोमोडेटिव होगा, हॉकिश होगा, हॉकिश का मतलब बहुत तेज़ी होगा, न्यूट्रल बिल्कुल शांत रहेंगे। एकोमोडेटिव को लेकर यहाँ पे ज़्यादातर एक्सपर्ट्स का हमको व्यू मिला। एकोमोडेटिव किस चीज़ में होगा, एकोमोडेशन होगा आपका एक तो ब्याज दरों को लेकर जो भी चल रही है, दूसरा इन्फ्लेशन सामने है, तो इसको लेकर आरबीआई थोड़ा मिक्स एंड मैच आपको अपना स्टांस रखता हुआ देखेगा। वो चिंता भी करेगा लेकिन आपको प्रोत्साहन भी देगा, देखिए आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है। कुछ कुछ ऐसी आप पॉलिसी के अंदर स्टांस देखेंगे। क्या आरबीआई महंगाई लक्ष्य में कोई बदलाव करने वाला है, क्योंकि FY22 के अंदर जो महंगाई का लक्ष्य है वो 5.3 है, क्या इसमें कोई बदलाव हो सकता है। देखिए ये सबसे कोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या इसमें कुछ बदलाव हो सकता है, इसलिए आप मैंडेट भी थोड़ा फ्रेगमेंटेड देख पा रहे हैं। हाँ कहने वाले हैं 20 कि हाँ बदलाव हो सकता है, अपवर्ड रिवीजन हो सकती है। नहीं कहने वाले संख्या है 60 कि अभी एक हो सकता है इस वाले इस पॉलिसी में इन्फ्लेशन को लेकर ज़्यादा ना बोले आरबीआई गवर्नर, लेकिन आने वाली पॉलिसीज में बोले, इसलिए 60% है। कुछ नहीं कहने वाली संख्या भी 20 है, आप इसको इग्नोर नहीं कह सकते, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं कुछ एक इंपॉर्टेंट और चीज़ों पे कि क्या स्टांस हो सकता है, क्या क्या इंपॉर्टेंट फोकस पॉइंट होंगे। इसमें से पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है आर्थिक रिकवरी को लेकर, क्या आर्थिक रिकवरी को लेकर कुछ कमेंट्री आएगी, महंगाई को लेकर कमेंट्री आएगी। यस, इसका जवाब है यस, ये आपको ज़रूर आती हुई दिखेगी। दूसरा है क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल करेंसी को लेकर, क्या आरबीआई गवर्नर कुछ बोलेंगे, क्योंकि देखिए इसी बार बजट के अंदर 30% के आसपास का क्रिप्टो करेंसीज को लेकर बात हुई है, और रुपी को करेंसीज को लेकर भी आप अभी ये बात करते हुए दिखेंगे। बॉन्ड यील्ड को लेकर भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ असर आएगा नहीं आएगा, तो इसको लेकर बातचीत होगी। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है क्रूड को लेकर, और क्रूड पे क्या बात होगी ये इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि 95 का भी क्रूड चल रहा है।